हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंजनास किचन में। आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट स्टाइल में नाचोस, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और जो सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो चलिए नाचोस बनाना शुरू करते हैं। नाचोस बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 प्याज, 7 से 8 कली लहसुन। लहसुन और अदरक को मैंने छीलकर उनका इस तरह से पेस्ट तैयार कर लिया है। और मैंने यहाँ लिया 1 कटोरी चावल का आटा। और सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। लीजिए, मैंने गैस को ऑन कर दिया है और तेल भी अब अच्छे से गर्म हो चुका है। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरे को हम अच्छे से तड़कने देंगे। लीजिए, अब जीरा भी अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें प्याज और लहसुन का जो हमने पेस्ट तैयार किया है उसे डालेंगे और उसे इस तरह से हिला लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। लीजिए, अब मैंने यहाँ लगभग 1.5 कटोरी के करीब पानी डाल दिया है। और अब हम इस पानी को 1 उबाल आने तक उबालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और हम इसे इस तरह से हिला लेंगे। लीजिए, अब पानी में उबाल आ चुका है और हम इसे इस तरह से एक बार हिलाएंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे जो हमने चावल का आटा लिया है उसे डालेंगे और साथ के साथ हम इसे हिलाते रहेंगे, जिससे कि जो आटा है उसमें गुठलियां नहीं बनेंगी। हम आटे को अच्छे से हिलाकर पानी में मिक्स करेंगे और हम इस चावल के आटे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसे हिलाते रहेंगे, जिससे कि जो पानी है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए, जो पानी है वो पहले से आटे में मिक्स हो चुका है। और जो ये नाचोज है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। और हम बिल्कुल मार्केट के स्टाइल जैसे नाचोज घर पर भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। लीजिए, अब जो पानी था वो आटे में अच्छे से मिक्स हो चुका है और हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से पक चुका है, देखिए। और अब हम गैस को भी ऑफ करेंगे और अब हम आटे को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे। हम इसे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का सा ही ठंडा होने पर हम इसे इस तरह से अच्छे से गूंथ लेंगे, क्योंकि अगर ये जो आटा है वो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो इसे अच्छे से हम नहीं गूंथ सकेंगे, इसलिए हम इसे थोड़ा गरम गरम में ही गूंथेंगे। देखिए, लीजिए, मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। और अब हम आटे में से थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और उसकी एक लोई तैयार करेंगे, देखिए इस तरह से। लीजिए, मैंने एक लोई बना ली है और अब हम उसे इस तरह से चकले पर रखेंगे और थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे, देखिए। और अब हम इसे बेलने से बेल लेंगे। हम इसे थोड़ा आराम आराम से ही बेलेंगे, क्योंकि जो ये चावल का आटा है वो बेलने पर चिपक जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा आराम आराम से ही बेलेंगे। लीजिए, मैंने इसे इस तरह से बेल लिया है और अब हम इस पर इस तरह से फोक से इसमें थोड़े छेद करेंगे। हम यहाँ छेद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम इन्हें तलेंगे तो ये फूलेंगे नहीं। अगर हम इस पर छेद नहीं करेंगे तो ये फूल जाएंगे, इसलिए हम इस पर इस तरह से छेद करेंगे और इस तरह से हम इसके चारों कोनों को काट लेंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे चाकू के साथ भी काट सकते हैं। और साइड के हिस्से को मैंने इस तरह से उठा दिया है और इसका यूज़ हम आगे और नाचोस बनाने में करेंगे। और हम इसे इस तरह से कट करेंगे, देखिए मैंने इसे 4 पीसेस में कट कर लिया। और अब हम इसे इस तरह से कोने तक अच्छे से काट लेंगे, देखिए। लीजिए, अब मैंने इसे ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है और अब हम इसे इस तरह से उठा लेंगे, देखिए। हम इन्हें ज़्यादा मोटा या ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे। लीजिए, अब हम इसे इस तरह से प्लेट में रख लेंगे और इसी तरह से ही हम सारे डो में से
नाचोज को काटकर तैयार करेंगे। नाचोज सबको बहुत ही पसंद आएंगे क्योंकि ये खाने में बहुत ही चटपटे और मज़ेदार लगते हैं। अगर हम नाचोज को घर पर ही आसानी से बना सकते हैं तो मार्केट से नाचोज क्यों लाएं, इसीलिए हम इन्हें घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। लीजिए मैंने इसे इस तरह से काट लिया है। लीजिए मैंने सारे डो में से नाचोज को कट कर लिया है और अब हम इन्हें तलेंगे। इन्हें तलने के लिए मैंने तेल पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था और तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इन्हें इस तरह से तेल में डाल देंगे। देखिए एक बार में जितने नाचोज कढ़ाई में आए हम उतने ही इसमें डालेंगे और हम इन्हें अच्छे से गोल्डन होने तक तलेंगे और हम इसे साथ के साथ नहीं हिलाएंगे। देखिए अभी अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं और अब हम इन्हें इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के सारे नाचोज को तलकर तैयार करेंगे। लीजिए मैंने इन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। लीजिए मैंने सारे नाचोज को तलकर तैयार कर लिया है। देखिए बहुत ही कुरकुरे हमारे जो नाचोज है बनकर तैयार हुए हैं और अब हम इसे इस तरह से एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे और अब हम इसमें मसाला डालेंगे। मैंने यहाँ आधा चम्मच चाट मसाला डाल दिया है और थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड कर दी है और थोड़ा सा मैंने यहाँ मैगी मसाला भी डाल दिया है और हल्का सा हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे और इसमें हम आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे और अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए अब जो नाचोज हैं बहुत ही चटपटे और मसालेदार बनकर तैयार हुए हैं। देखिए और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।